अस्सलाम वालेकुम, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अलजायका कुकिंग में। तो आज हम बनाएंगे आलू पनीर कोफ्ता। यहाँ पे मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, अब इनको हम कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, अब आलू को हम इसी में कद्दूकस कर लेंगे। तो देखिए, आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है और पनीर भी कद्दूकस कर लेंगे। तो देखिए, पनीर भी हमने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, हम डालेंगे 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर, अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए, ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। सबसे पहले हम हाथ में ऑयल लगाएंगे और इसके अच्छे तरीके से गोल गोल कोफ्ते बना लेंगे। इसी तरीके से हमें सारे कोफ्ते बना लेने हैं। देखिए, सारे कोफ्ते हमने बना लिए हैं, अब इनको हम फ्राई करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे। ये ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें हम कोफ्ते फ्राई करेंगे। तो देखिए, ये एक तरफ अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, अब इनको हम पलट लेंगे और हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो देखिए, कोफ्ते अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और जो बाकी के बचे हुए हैं वो हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो देखिए, सारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं, अब हम बनाएंगे ग्रेवी। यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी, अब सबसे पहले इसमें हम ऑयल डालेंगे। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, सबसे पहले इसमें हम ज़ीरा डालेंगे, चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक। अब इसको हम चला लेंगे अच्छे तरीके से। दो मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। हम डालेंगे 1 चम्मच टोमेटो केचप, इससे टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। इसको हम चला देंगे। तो देखिए, मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है, अब इसमें हम डालेंगे पानी। अब इसको हम कवर कर देंगे, तकरीबन 6 से 7 मिनट तक पकने देंगे।
तो देखिए ग्रेवी अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब इसको हम गैस बंद कर देंगे, इसमें कोफ्ते डालेंगे। तो अब इसमें हम कोफ्ते डाल देंगे। तो कोफ्ते में हमने सारे डाल दिए। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला। हम बारीक कटी हुई हरी धनिया डालेंगे। तो देखिए आलू पनीर कोफ्ता रेसिपी बनके तैयार है।